नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको दशाफल के बारे में पढ़ा रहा हूं, डिफरेंट महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतर्दशा कैसे जाती है। तो लास्ट जो सीरीज मेरी चल रही है वो चंद्र की महादशा चल रही है कि चंद्र की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतर्दशा कैसे जाती है। जो इससे पहले वाला वीडियो था वो चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के बारे में था कि चंद्र की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो तो वो कैसे फल देती है, उसके बारे में लास्ट वीडियो था। अगर किसी ने ना देखा हो तो काइंडली उसको देख लें, उससे आइडिया हो जाएगा। आज हम बताएंगे कि चंद्र की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा हो तो क्या फल प्राप्त होंगे, कि चंद्र की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा हो तो क्या फल प्राप्त होते हैं। तो वो कहते हैं चंद्रस्या अंतर्गते मीन्स के चंद्र की महादशा में भानो सोचे स्वक्षेत्र संयुक्ते। भानो किसे बोलते हैं? सूर्य को। भानो स्वच्छ यानी उच्च राशि में हो, स्वक्षेत्र में हो या अच्छे ग्रहों से संयुक्त हो। केंद्र त्रिकोणे लाभे वा धने वा सोदरालये। केंद्र त्रिकोण भाव में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, तीसरे भाव में हो। देखिए कितना अच्छा इन्होंने किया है कि चंद्र की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा हो और सूर्य स्वच्छ स्व राशि में हो, सूर्य उच्च राशि में हो, सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो या तीसरे भाव में हो, तो जातक को क्या होता है? नष्ट राज धन प्राप्ति ग्रहे कल्याण शोभनम। यानी नष्ट राज जो उसका है, जो सब खोया हुआ धन है, जो उसका खोया हुआ यश है, जो कोई भी उसकी प्रसिद्धि है वो उसको वापिस दोबारा से प्राप्त होती है और कल्याण होता है उसका कल्याण होता है, उसकी शोभा बढ़ती है। तो कितना सिंपल उन्होंने दिया है कि लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि सूर्य जो है जिसकी अंतर्दशा है वो लगन से केंद्र त्रिकोण दूसरे भाव या तीसरे भाव या लाभ भाव में ही होना चाहिए, और स्व राशि का हो या उच्च राशि का हो या मित्र राशि का हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो बोलते हैं मित्र राज प्रसादे ने ग्राम भूम्यादि लाभ कृत। यानी मित्र एवं राजा की प्रसन्नता से क्या होता है? ग्राम भूम्यादि लाभ कृत, ग्राम व भूमि का लाभ होता है। जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा खुश होकर दे देते दे भाई ये गांव तुम्हारा है या ये भूमि तुम्हें दे दी जाती है दान में, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं दान में मिल जाती हैं। तो आज की डेट में हम इन्हें मान सकते हैं कि आप कोई सर्विस कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे हैं तो आपको अचानक ही प्रमोशन मिल गया, आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन आपको मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आपको कंपनी की कृपा से या सीईओ की कृपा से या कंपनी में जो उसके जो एमडी है उनकी कृपा से आपको ये सब चीजें मिल गई हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिल गया है। उसके अलावा क्या होता है? ये सब चीजें जब चल रही हैं, जब चंद्रमा जिसकी महादशा है और उसमें सूर्य की अंतर्दशा है और सूर्य उच्च राशि का होके, स्व राशि का होके, त्रिकोण अपने मित्र राशि का होके केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है या तीसरे भाव में बैठा है, ये सारे फल तभी प्राप्त हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं गर्भधान फल प्राप्ति ग्रहे लक्ष्मी कटाक्ष कृत। यानी इसमें क्या चीज वो कहते हैं? भुक्ति अंते देह आलस्यम ज्वर पीड़ा भविष्यति। वो कहते हैं गर्भधान फल प्राप्ति ग्रहे यानी पुत्र की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भुक्ति अंते देह आलस्यम, भुक्ति अंते मीन्स के भुक्ति के अंत में, भुक्ति किसे बोलते हैं? अंतर्दशा को। अंतर्दशा के अंत में देह आलस्यम, देह में आलस्य होता है, ज्वर पीड़ा होती है भविष्य में, तो ये भी होता है कि अंतर्दशा के अंत में शरीर में आलस एवं ज्वर से पीड़ा भी रहती है, ये जब चंद्र की महादशा हो और उसमें सूर्य की अंतर्दशा हो तो इस तरह के फल प्राप्त होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे आता है कि सूर्य यदि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में ना हो, पाप ग्रह से युक्त हो या अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो या महादशा स्वामी से अष्टम द्वादश भाव में बैठा हो तो किस तरह के फल होंगे? तो वो कहते हैं दायशे दापि रंध्रस्ते व्यय व्या पाप संयुक्ते। सूर्य यदि पाप ग्रह युत हो, सूर्य यदि पाप ग्रह युत हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, पाप संयुक्त लिखा हुआ है, रंध्रस्ते व्यय, रंध्रस्ते मीन्स रंध्र भाव बोलते हैं अष्टम को, व्यय बोलते हैं द्वादश को, और महादशा स्वामी से दायशादपि
यानी जिसकी दशा है महादशा स्वामी से, यदि अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो सूर्य, आई रिपीट, मैं लगन से नहीं बोल रहा हूं, मैं महादशा स्वामी से बोल रहा हूं, अगर महादशा स्वामी से सूर्य अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है तो क्या होता है, नृप चौराहा भीतश्च ज्वर रोगादि संभव है, विदेश गमने चारती लब्ध फल वैभवम, यानी तो राजा और चोर एवं सर्प से भय होता है, यानी आपको अपनी कंपनी में अपनी नौकरी में भय हो सकता है, प्रोफेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ थोड़ा गलत व्यवहार हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके साथ कोई भी अनहोनी ऐसी हो सकती है, ज्वर आदि रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये बताया गया है विदेश गमने, विदेश गमने मीन्स कि विदेश जा सकते हैं, आज के जमाने में तो विदेश जाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का जैसा हो गया कि अच्छा माना जाता है, लेकिन उस जमाने में विदेश जाना जो होता है विदेश यात्रा बड़ी कष्टकारी होती थी, तो विदेश गमने यानी विदेश जाएंगे तो सही, लेकिन आपकी विदेश यात्रा जो होगी वो बहुत कष्टकारी होगी, असफल यात्रा होगी, चारती लगते फल वैभवम, द्वितीय धुन नाते ज्वर पीड़ा भविष्यति, द्वितीय धुन नाते तू ज्वर पीड़ा भविष्यति, यहां यह कहते हैं कि यदि सूर्य द्वितीयेश या सप्तमेश हो, देखिए द्वितीय और सप्तम भाव जो होते हैं वो मारक भाव होते हैं, तो क्या होता है, तो वो कहते हैं कि ज्वर पीड़ा होती है, ज्वर आदि रोगों से पीड़ा होती है, अगर सूर्य द्वितीयेश या सप्तमेश हो, सूर्य द्वितीय स्थान का स्वामी हो या सप्तम स्थान का स्वामी हो और फिर सूर्य की अंतर्दशा हो चंद्र की महादशा में, तो ज्वर आदि रोगों से पीड़ा होती है, और अशुभ प्रभाव के शमन हेतु इसके लिए क्या करना पड़ता है कि भगवान शिव की आराधना जो है वो हितकारी है, ऋषि पाराशर ने बोला है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना की जाए तो हितकारी रहता है, और पुण्य में सत्कार्य से भगवान शिव अपने आशीर्वाद से जातक को सुख शांति प्रदान करते हैं, ये इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है इसके अंदर कि सूर्य यदि पाप ग्रह युक्त हो, सूर्य मंगल शनि राहु केतु इन ग्रहों के साथ बैठा हो, तथा महादशा स्वामी से जिसकी महादशा चल रही है यानी चंद्रमा, चंद्रमा से अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, तो राजा से चोर से एवं सर्प से भय होता है, ज्वर आदि से पीड़ा होती है, विदेश यात्रा जो होती है वो बहुत ही कष्टकारी होती है, और यदि सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है या सप्तम भाव का स्वामी है तो ज्वर आदि रोग होते हैं, रोग होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, चूंकि ये मारक भाव है ये अंतर्दशा, और ऐसे अशुभ प्रभाव के शमन के लिए ये कहा गया है ऋषि पाराशर ने कि भगवान शिव की आराधना ही संभव है, भगवान शिव की आराधना कीजिए आपका पूरा पूरा हित होगा, यहाँ पर इस तरह के कोई और टोने टोटके नहीं बताए गए हैं, सिंपल चीजें जो वेदों के मंत्र हैं या भगवान की पूजा है वही ऋषि पाराशर ने उसी को रिकमेंड किया है, तो उसी के लिए आप देखें, इस तरह की प्रॉब्लम हो तो भगवान शिव की आराधना करें तो आपको ऐसे पुण्य कार्य करने से सत्कार्य करने से ये जो पीड़ा है आपकी ये बिल्कुल दूर होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शांति से आपका समय निकल जाएगा, अगर सूर्य सप्तमेश या द्वितीयेश आपकी कुंडली में है और उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, यहां तक आगे हम लोग मंगल की महादशा से स्टार्ट करेंगे, अभी हमने चंद्र की महादशा में डिफरेंट ग्रहों के अंतर्दशा के फल पढ़ाए थे, आगे हम स्टार्ट करेंगे कि मंगल की महादशा में डिफरेंट ग्रहों के अंतर्दशा के फल कैसे रहते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का हम लोग जल्दी से एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, धन्यवाद, जय कृष्ण, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।